हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एट योर होम। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.3। हर बार की तरह इस बार भी हम एक्सरसाइज 2.3 का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद चलेंगे हम एक्सरसाइज की तरफ। इस एक्सरसाइज में हमें एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे, और वो डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे वो मैं अभी तुम्हें बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि हमारे सामने ये एक पॉलिनोमियल है 2x^4 -3x³ -3x² +6x -2। अभी देखो, ये एक पॉलिनोमियल है हमारे पास, और इसको हम दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे। मेरा दूसरा पॉलिनोमियल मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए, जो मेरा दूसरा पॉलिनोमियल है वो है x² -2। अभी देखिए, इसको करने से पहले हमें दो चीज याद रखनी पड़ेगी। जो इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री क्या है, 4, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो डिग्री है 2। तो हमेशा हम ज्यादा डिग्री वाले पॉलिनोमियल को छोटे, मतलब कम डिग्री वाले पॉलिनोमियल से ही हम डिवाइड करते हैं। ठीक, अभी देखो, करने से पहले एक ही रूल है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, अगर तुम्हें एक बार में समझ आ गया तो, और इसे अच्छी तरह समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी इसमें बस एक ही चीज याद रखनी है, वो क्या चीज याद रखनी है कि ये जो x² है इसको हम करेंगे इसके फर्स्ट टर्म से कंपेयर। हमेशा फर्स्ट टर्म इस टर्म से, इसके फर्स्ट टर्म से ही कंपेयर होगा, दैट्स इट। और तुम्हें इसमें कुछ भी नई बात नहीं जाननी है, और डिवाइड करना हम नॉर्मल सबको आता ही है, बस उसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। अब जैसे कि मैं इस x² को इस 2x⁴ से अगर मैं कंपेयर करूं, तो मुझे एक तो इधर 2 की जरूरत है इधर लगाने के लिए, तो मैं यहां 2 लिख दूंगा सिंपल। और दूसरा क्या है, यहां x² है, यहां x⁴ है, तो मुझे x² को x⁴ बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, x² से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि x² तो यहां है और 2 और यहां मैंने कर दी, तो 2 + 2 x⁴ कितनी हो जाएगी, 4। क्लियर है इतनी बात, बस हमें इतना ही करना है, और हम ऐसे इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए आगे क्या करेंगे हम, अब एक बात समझो, ये पूरा जो x² - 2 है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x² से, क्योंकि जब हम किसी नॉर्मल नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ, छोटा सा, थोड़ा ऊपर करके बता देता हूँ, जैसे कि ये कोई मेरा एक नंबर है, मान लेते हैं 16 है, और मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं 3 से, तो अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मैं क्या करूंगा, 3 × 5 = 15, और माइनस करता हूं तो रिमाइंडर बचता है 1। अभी मैं और फर्दर डिवाइड नहीं करता हूं, क्यों, क्योंकि यहां 1 है वो इससे छोटा है, तो हम इस वाले क्वेश्चन में जो देखेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, तो उसकी डिग्री इस वाली डिग्री से छोटी आएगी, दिस मीन्स यहां इसकी डिग्री 2 है, तो यहां जो रिमाइंडर बचेगा वो कितनी डिग्री का बचेगा, 1 डिग्री का बचेगा, कि x⁴ होगी उसमें। क्लियर है इतनी बात। दूसरी चीज क्या है इसमें, दूसरी चीज एक ये है कि हम देखो कैसे करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहां लिखते हैं ना, इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके जब यहां लिखते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा हमारा, मैं अभी आपको बता देता हूं, सेम कॉन्सेप्ट यहां है, यहां x² - 2 ये पूरा एक नंबर मानेंगे हम, और इस पूरे को किससे करेंगे मल्टीप्लाई, 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, बस। क्लियर है, इतनी ही बात है, और इसके अलावा तुम्हें और इसमें कुछ नई चीज नहीं जाननी है। देखिए, मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, सबसे पहले तो x² का 2x⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो क्या बनेगा हमारा, 2x⁴, क्योंकि हमने इसको ही तो ये बनाने के लिए, ये 2x⁴ आ जाए इसलिए तो हमें ये लिखा था, और फिर मल्टीप्लाई करके भी देख लो 2x⁴ ही आएगा। देखो, 2 यहां पे 1 है, तो 2 बन जाए तो 2 ही रहेगा, x² × x² क्या हो जाएगा, x⁴। बात सीधी सी है, समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका जो नेक्स्ट नंबर क्या है, -2, तो अब हम x² - 2 को पूरे से इससे मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो -2 की बारी आती है, अब इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, भूल मत जाना कि सिर्फ स्टूडेंट्स ज्यादातर क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे करने के बाद बस इतना ही कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है, इससे भी करना पड़ेगा, तो 2 × 2x² क्या होगा, 4x² माइनस का, क्योंकि माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे देखो x² का टर्म बनेगा 4x², तो x² के नीचे ही लिखेंगे, क्यूब के नीचे नहीं लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात, तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस
4x square। ये तो हम 6th-7th में ही जान जाते हैं कि लाइक टर्म्स में से लाइक टर्म्स ही प्लस होते हैं या माइनस होते हैं, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे इसके बाद माइनस करेंगे। तो जब हम माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन कर देंगे, और ये माइनस का है तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक, अब हम थोड़ी देर के लिए ये वाले साइन को हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब भूल जाएंगे ये किसके थे। अब फिलहाल इसका साइन क्या हो गया प्लस का, और इसका साइन हो गया माइनस का। क्लियर, अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। अभी देखो 2x की पावर 4 माइनस 2x की पावर 4 क्या बचेगा, 0। ये माइनस का 3x क्यूब तो यहां तो कुछ है नहीं, तो ये ऐसा का ऐसा ही नीचे उतर आएगा -3x क्यूब। क्लियर है, क्यूब यहां अच्छी तरह समझ लेना इसको। और ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस का 4x स्क्वायर में से -3x स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा प्लस का x स्क्वायर बचेगा, और ये +6x ऐसे का ऐसा ही नीचे उतर आएगा, और ये -2 भी नीचे आ जाएगा। क्लियर इतनी बात, आई होप इतना समझ में आया होगा। अब हमें कुछ नहीं करना, पहले वाला कॉन्सेप्ट ही बार बार रिपीट करना है। अब हमारे पास है x स्क्वायर, यहाँ क्या है माइनस का 3x क्यूब। अब x स्क्वायर को मुझे x क्यूब करना पड़ेगा, यहाँ पे पावर 3 है यहाँ पावर 2 है, कितनी पावर बढ़ानी पड़ेगी मुझे एक पावर, तो एक पावर के लिए मैं क्या करूंगा, और यहाँ -3 है पहले तो कॉन्स्टेंट देखा करो, -3 एक्स्ट्रा आ रहा है तो इसके सामने -3 लगाना पड़ेगा, तो मैं -3 पहले लिख दूं। अब x को x से कंपेयर करो, यहाँ x की पावर 2 है यहाँ x की पावर 3 है, तो मुझे 1x की और जरूरत है, तो 1x इसके साथ लिख दो। आशा करता हूँ कि ये चीज आपको बेहतर समझ में आ रही होगी कि इसे कैसे करना है, क्योंकि ये अगर अभी समझ लिया तो बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है इससे, एक बड़ा क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में, तो ये समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अभी मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो देखते हैं क्या आएगा, x² × 3x करेंगे माइनस का 3x करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 3x³ ही आएगा। ठीक, अभी नेक्स्ट करेंगे माइनस के 2 से, अगर मैं माइनस के 3x का मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 3 = 6, और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता तो बन जाता है प्लस का, और टर्म किसका आएगा एक्स का टर्म आएगा। ठीक, तो हमारा आंसर क्या आएगा प्लस का 6x, 2 × 3 = 6 प्लस का, और एक्स साइड में आएगा। तो मैं देखो x² के नीचे तो लिखूंगा नहीं, इसके नीचे लिखूंगा जो x का टर्म है उसके नीचे, तो क्या लिखूंगा प्लस का 6x। क्लियर है इतनी बात, चलो ठीक। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, क्योंकि हम करते हैं माइनस, तो माइनस करते हैं तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, इस साइन को हम फिर नेगलेक्ट कर देंगे, और ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, इस साइन को हम भूल जाएंगे। अब हम इसको माइनस करेंगे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, देखो माइनस का 3x³ प्लस का 3x³ 0 हो जाएगा, ये x² जैसे का तैसा नीचे उतर आएगा, और ये प्लस का 6x, ये माइनस का 6x हो गया। हम प्लस का साइन भूल जाएंगे, याद रखना है इसको, यही साइन मत मान के कर देना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। तो प्लस का 6x माइनस 6x क्या हो जाएगा 0, तो इधर हम 0, ये क्या है माइनस का 2। तो हमारे पास अब क्या बचा x² - 2। ठीक, यहां पे देखो x² है, यहां पे भी x² है, तो मैं जब सेम नंबर होता है, जैसे अगर मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 × 1 = 3 मीन्स 1 टाइम्स जाता है हमेशा, तो ये भी x², ये भी x² में किससे मल्टीप्लाई करूंगा +1 से, सिंपल इधर आ जाएगा क्या x². अब यही +1 से जब मैं -2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 ही आएगा। अब इनके साइन हम चेंज कर देंगे, ये प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का ये हो जाएगा प्लस का। ठीक, ये देखो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये तो हम नेगलेक्ट करेंगे, प्लस का x² माइनस x² हो जाएगा 0, ये तो 0 पहले से ही था, और ये -2 +2 ये क्या हो जाएगा 0। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट था ये, बेसिक मैंने बताया था कि किस तरीके से एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉलिनोमियल हमारा ये था, दूसरा पॉलिनोमियल हमारा ये था, हमने इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड किया था, तो हमारा जो क्वेश्चन आया था वो क्या आएगा 2x² - 3x + 1। आई होप कि ऐसे क्वेश्चन आपको करने आ गए होंगे। हम चलते हैं सीधे एक्सरसाइज की तरफ। अभी जैसा कि हमने बुक में देखा था, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है, और उसको हम कुछ इस तरीके से लिख लेंगे, क्योंकि पॉलिनोमियल इसको हमें इससे डिवाइड करना है। अब डिवाइड करने के लिए देखो हम क्या करेंगे, मैंने पहले ही तुम्हें बता रखा है कि इस नंबर को, फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से हम हमेशा कंपेयर करते हैं, और जैसा कि हम कंपेयर करके लिखेंगे, मैं इस बार डिवाइड करके क्वेश्चन जो है इधर लिखूंगा, क्योंकि यहाँ ऊपर जगह है नहीं। तो देखते हैं, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, यहाँ x² है, यहाँ x³ है, मुझे कितनी x की और जरूरत है इसे 3 बनाने के लिए, तो 1x की और जरूरत है ना। x² को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा x³ बन जाएगा, तो सिंपल मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, सीधे x से, क्वेश्चन में मेरा आ जाएगा x।
अब मैं देखूंगा कि x इंटू एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा मेरा एक्स क्यूब, है ना। और नेक्स्ट क्या है, 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा x का। मैंने पहले ही बताया था कि सिर्फ इससे करके मत छोड़ देना, इसके संग जो नंबर जितने भी लिखे होते हैं, यहाँ 2 लिखा है या फिर आगे और भी होता तो उससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ता हमें x से। तो अभी हमारे पास क्या है 2, तो माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा माइनस का 2x। तो मैं इसके नीचे नहीं लिखूंगा 2x, x के टर्म के नीचे ही लिखूंगा, तो यहां आ जाएगा मेरा माइनस का 2x। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, इसके हमें साइन चेंज करने थे। ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा इस बार माइनस का, ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो अभी हम इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर, ये तो इसे कैंसिल आउट कर देगा, माइनस का 3x स्क्वायर नीचे आ जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 5x प्लस 2x प्लस का 7x, और ये माइनस 3 जैसे के तैसा नीचे उतर जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या होगा, हमारे पास है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 और एक्स्ट्रा है, यहाँ पे सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो मुझे किसकी जरूरत है, सिर्फ 3 की जरूरत पड़ेगी। तो और उसके आगे माइनस का साइन भी है, तो मैं इधर किससे मल्टीप्लाई करूंगा माइनस के 3 से। तो अभी मैंने इसके माइनस के 3 से जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो मेरा जो आंसर आएगा वो माइनस का 3x स्क्वायर और 2 3 6, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो प्लस का 6 आएगा और कांस्टेंट टर्म के नीचे ही मैं लिखूंगा, तो जो मेरा आंसर आएगा। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके साइन को हम चेंज करेंगे, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का ये हो जाएगा माइनस का, हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे और आगे सॉल्व करके देखेंगे। तो देखो ये प्लस का 3x स्क्वायर है, माइनस का 3x स्क्वायर है, ये हो जाएगा 0, और ये जो नीचे आएगा ये 7x नीचे उतर जाएगा प्लस का, और ये दोनों माइनस का 9 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि यहां पे x है, यहां एक्स स्क्वायर है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 2 है, तो रिमाइंडर की डिग्री जब भी डिवाइजर से कम हो जाए तो हम समझ लेंगे कि यही हमारा रिमाइंडर बचेगा, अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो पाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो ये इसका रिमाइंडर हो जाएगा और ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था कि रिमाइंडर फाइंड करो और क्वेश्चन फाइंड करो। तो अभी आंसर तो हमने देख लिया है, अब उसके बाद इसे लिखने का तरीका और एक बार देख लेते हैं। देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, हम लिखेंगे पी क्यू, क्योंकि हमसे इसने क्वेश्चन पूछा था, तो पी क्यू हो जाएगा हमारा एक्स माइनस 3, और हमसे पूछा इसने रिमाइंडर, तो रिमाइंडर हम कैसे लिखेंगे, पी आर मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ रिमाइंडर कितना आएगा, हमारा रिमाइंडर कितना आया था वो बचा था हमारा 7x माइनस 9। तो ये होगा आंसर हमारा लिखने का तरीका। आई होप ये क्वेश्चन आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को कुछ इस तरीके से लिख लिया है, ये हमारा जी एक्स है, ये हमारा पी एक्स है, हमें इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इस वाले पॉलिनोमियल से। तो अभी हम जैसा कि मैंने बताया था कि हम कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर अगर हम करेंगे एक्स की पावर 4 को एक्स स्क्वायर, तो मुझे जरूरत है एक्स स्क्वायर की, क्योंकि एक्स स्क्वायर से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर का, तो मेरा बन जाएगा क्या, एक्स की पावर 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स की पावर 4। ऐसे ही एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करूंगा तो मेरा बनेगा माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि यहां माइनस का एक्स क्यूब का कोई भी फैक्टर है नहीं, एक्स क्यूब का कोई भी फैक्टर नहीं है, मैं अलग से लिखूंगा इसको माइनस का एक्स क्यूब, क्योंकि एक्स स्क्वायर इंटू एक्स वो भी माइनस का है, तो इसलिए माइनस का एक्स क्यूब आएगा। एक्स स्क्वायर इंटू 1 करूंगा तो मेरा आएगा सिर्फ एक्स स्क्वायर, तो वो एक्स स्क्वायर के नीचे लिखूंगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब आगे क्या कंडीशन है मेरी, कि मैं इसको साइन चेंज करूंगा, ये प्लस का ये हो जाएगा मेरा माइनस का, ये प्लस का है ये भी माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये हो जाएगा मेरा प्लस का, मैं इसको भूल जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं इसको माइनस करके दिखाता हूं आपको, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का ही एक्स स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 4x, यहां जैसे कि जैसा नोट डाउन कर लेंगे, ये प्लस का 5। अभी देखो ये एक्स क्यूब है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि हम डिग्री के हिसाब से या फिर पावर के हिसाब से हम अपनी इक्वेशन को लगाएंगे। तो यहां पे एक्स स्क्वायर, यहां एक्स, यहां 0 है एक्स की पावर, और यहां पे क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, तो सबसे आगे आ जाएगा ये हो जाएगा मेरा एक्स क्यूब। क्लियर है इतनी बात। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पे, यहां है हमारा एक्स क्यूब, हमेशा फर्स्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से ही कंपेयर करना, बाकी अपने आप बनते जाएंगे, वो उसकी तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है। तो यहां एक्स क्यूब है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगा प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि एक्स इंटू एक्स स्क्वायर करूंगा तो मेरा क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, तो मेरा बन गया ये एक्स क्यूब। एक्स इंटू एक्स करूंगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, तो एक्स स्क्वायर के नीचे ही लिखूंगा क्या, माइनस का एक्स स्क्वायर। अभी देखो x इंटू 1 करूंगा तो मेरा क्या आएगा प्लस का x, अभी ये हो जाएगा माइनस का, अभी जो मेरा नेक्स्ट स्टेप वही है कि ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, इन साइन को मैं
नेगलेक्ट कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये इसे कैंसिल आउट करेगा, ये अभी हम इसके साइन चेंज कर चुके हैं, अब हम इसको माइनस करेंगे तो मेरा आंसर आएगा यहाँ पे, तो ये तो जीरो हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये माइनस का फोर एक्स स्क्वायर है, प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर आएगा, क्योंकि माइनस फोर में से प्लस वन होगा तो माइनस का थ्री आंसर आता है। फोर एक्स माइनस एक्स तो प्लस का थ्री एक्स आएगा, और यहाँ प्लस फाइव, नोट डाउन, जैसे का तैसा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, जरूरत किसकी है, सिर्फ माइनस थ्री की, तो मैं माइनस थ्री सिर्फ यहाँ लिख दूंगा। अब माइनस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, माइनस थ्री इंटू एक्स क्या होगा, माइनस का थ्री एक्स, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। अभी माइनस थ्री इंटू वन क्या होगा, माइनस का थ्री। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ये हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो देखो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा जो आंसर बचेगा, जो रिमाइंडर बचेगा, वो आएगा हमारा प्लस का एट। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे, ये हमारा हो गया क्वेश्चन, ये हो गया हमारा रिमाइंडर, क्योंकि अभी फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो हम यहाँ कैसे लिखेंगे, दैट पी आर, दिस मीन्स रिमाइंडर कितना आया एट, एंड पी क्यू मीन्स पॉलिनोमियल ऑफ क्वेश्चन कितना बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री। तो ये हमारा लिखने का तरीका होगा और ये हमारा आंसर है। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। अभी हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमने कुछ इस तरीके से लिख लिया है। अब आप जीएक्स देख के समझ गए होंगे, हमारा सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा कि हम पहले जीएक्स को चेंज करेंगे। तो हमारा जीएक्स जो बन के आ जाएगा वो एक्स स्क्वायर को हम आगे लिखेंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर और ये प्लस का टू, क्योंकि हम इसकी पावर के हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। और पी एक्स तो हमारा वही रहेगा जो हमें गिवन है। तो अभी मैं इसको लिख लूंगा कुछ इस तरीके से। इस पार्ट को मैंने डिवीजन के फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिख लिया है। अब मैं इसको करूंगा सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए देखिए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स की पावर फोर है, तो पहले कंडीशन तो ये होगा मैं एक्स स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि एक्स की पावर मुझे फोर बनानी है, उसके लिए टू की जरूरत पड़ेगी, मैंने यहाँ टू लिख लिया है। अभी नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ है प्लस का, यहाँ है माइनस का, तो मुझे ये माइनस का प्लस बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर से। होप ये बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, तो हमारा आ जाएगा प्लस का एक्स की पावर फोर। क्लियर। अब मैं टू से इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का टू एक्स स्क्वायर आएगा, जो कि एक्स स्क्वायर का टर्म यहाँ पे कोई भी है नहीं, तो मैं इसे लिखूंगा सबसे अलग, माइनस का टू एक्स स्क्वायर, ये मैंने सबसे अलग लिख दिया, ये मेरा अलग चल रहा है, इससे इसको मिक्स मत कर देना। अभी नेक्स्ट क्या होगा, मैं अब इसको सॉल्व करूंगा, तो ये प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जो हमारा आंसर आएगा ये तो हो गया कैंसिल आउट, ये माइनस का 5x यहां नीचे उतर आएगा और ये प्लस का 6x और ये प्लस का 2x स्क्वायर है। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि ये सबसे आगे लिखा जाएगा, क्योंकि इसकी डिग्री जो है या फिर इसकी जो पावर है वो इन दोनों से बड़ी है, तो प्लस का 2x में आगे लिख दूंगा स्क्वायर में, स्क्वायर वाला टर्म। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है, यहां पे एक्स स्क्वायर है, यहां पे भी एक्स स्क्वायर है, बट यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करूंगा। नेक्स्ट क्या होगा, ये टू आगे लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे टू से और मल्टीप्लाई कर दूंगा। होप इतनी बात क्लियर होगी आपको। अब मैं जब इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा बनेगा टू एक्स स्क्वायर प्लस का, और माइनस टू इंटू प्लस टू होगा तो प्लस माइनस का ही फोर बनेगा, माइनस का फोर। अब इनके मैं साइन चेंज करूंगा, ये प्लस का था ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था ये हो जाएगा प्लस का। अब जो इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा, टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करेगा, माइनस का फाइव एक्स जैसे कि तैसा उतर जाएगा ऐसे ही, और ये प्लस का सिक्स है, ये भी प्लस का फोर है, तो प्लस का टेन हमारा आंसर आएगा। अब देखो हम नेक्स्ट फर्दर डिवाइड करने के लिए हम क्या देखेंगे, यहां एक्स है, यहां एक्स स्क्वायर है, तो इसकी डिग्री जो है वो वन हो गई। अब जब डिग्री वन है, इसकी डिग्री वन है, इसकी डिग्री टू है, तो ये डिग्री कम हो गई, तो हम अब आगे इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो बचा हुआ हमारा रिमाइंडर होगा वो ये होगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो हमारा ये होगा। तो हम इसको आंसर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आंसर हम इसका ऐसे इस तरीके से लिखेंगे कुछ कि पी आर, दिस मींस रिमाइंडर हमारा बचा क्या, माइनस का 5x प्लस का 10, और क्वेश्चन क्या है हमारा पी क्यू, तो क्वेश्चन क्या बचा हमारा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। आई होप कि ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं सीधे सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे सामने है एक्सरसाइज 2.3 का
क्वेश्चन नंबर टू, इसके भी तीन पार्ट्स हैं हमारे पास। अब हम इन तीनों पार्ट्स को एक करके सॉल्व करेंगे। मैं पढ़ के दिखा देता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवीजन बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। दिस मीन्स हमें ये चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल जो है फर्स्ट पॉलिनोमियल, ये फैक्टर है सेकंड पॉलिनोमियल का या नहीं है। तो कोई भी फैक्टर चेक करने के लिए हम क्या देखते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो मैं आपको एक बहुत छोटी और बेसिक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझना। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10 है और मुझे इसके फैक्टर पता करना है, मैं बोल रहा हूं कि 2 इसका फैक्टर है या नहीं है मुझे पता करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको 2 से डिवाइड करके देखूंगा। 2 5 आर 10, तो माइनस करूंगा, ये रिमाइंडर मेरा 0 बच रहा है। तो मेरे को पता चल गया कि 2 इसका फैक्टर है और 5 भी इसका फैक्टर है। दिस मीन्स अगर मैं किसी भी नंबर के अगर मुझे फैक्टर पता कर रहे हो और मुझे पहले से एक नंबर गिवन हो और पता करना हो कि ये इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, उस गिवन नंबर को दूसरे गिवन नंबर से डिवाइड करके देख लूंगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है यहाँ पे तो फैक्टर नहीं है। जैसे कि मैं अभी एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एक और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। जैसे 11 है, मैं अगर चेक करूंगा कि 5 इसका फैक्टर है या नहीं है, तो मैं 5 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, 5 2 10 माइनस है, रिमाइंडर बचा मेरा 1, तो रिमाइंडर 0 नहीं बच रहा है, तो 5 इज नॉट फैक्टर ऑफ 11। होप इतनी बात क्लियर होगी कि 11 का 5 फैक्टर नहीं है। तो हम ऐसे ही पॉलिनोमियल में भी चेक करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो फैक्टर होगा, और रिमाइंडर अगर 1 या फिर कुछ और बचता है, कुछ भी एक पॉलिनोमियल बचता है नीचे रिमाइंडर में, तो फैक्टर नहीं होगा। तो अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, और इसमें हमें दे रखा है कि हमें फाइंड करना है कि ये जो फैक्टर, ये जो है टी स्क्वायर माइनस 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस होल पॉलिनोमियल। तो अब हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरी पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे टी स्क्वायर माइनस 3 से। और हम एक पॉलिनोमियल से दूसरे पॉलिनोमियल को कैसे डिवाइड करते हैं, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। हम देखेंगे कि यहां हमने देखा है टी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है टी की पावर 4। मैं ये पूरा क्वेश्चन थोड़ा जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करके दिखा ले रहा हूं, जिससे कि हमारा टाइम थोड़ा बचे। और ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं किसी भी एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। तो बस हमें कंपेयर करते हैं ना फर्स्ट टर्म को उसके दूसरे वाले के फर्स्ट टर्म से। जैसे यहाँ पे मैं टी की पावर 4 को टी स्क्वायर से कंपेयर करूंगा, और फिर लास्ट में जो हमें आंसर आएगा वो उस हिसाब से सॉल्व करता जाऊंगा। जैसे कि मैंने 3t³ उतारा, फिर 4t² फिर 9t जैसा का और -12 जैसा का तैसे उतार लूंगा। अब मैं t³ को t² से कंपेयर करूंगा, तो मुझे 3 तो एक चाहिए ही और एक t की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मैं इसे अच्छी तरीके से सॉल्व करूंगा। हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि बहुत बार कि हम किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे हम डिवाइड करते हैं, तो इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके जल्दी जल्दी सॉल्व करके दिखा दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, मैं इसे दोबारा से अच्छी तरीके सॉल्व कर दूंगा अगर तुम्हें कोई दिक्कत आती है तो। और हम जल्दी जल्दी करके थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा यहाँ पे कि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो हम फिर क्या लिख देंगे, हेंस टी स्क्वायर माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ ये जो गिवन पॉलिनोमियल था टी 2 की पावर 4 प्लस 3t³ - 2t² - 90 - 12। तो इतना हम करने के बाद ये क्वेश्चन अब हमारा सॉल्व हो। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट, उसमें हमें फाइंड करना है कि ये जो पॉलिनोमियल है ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो मैं इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करूंगा इस वाले पॉलिनोमियल से। अब उसके लिए हमें कर रहे हैं, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ x की पावर 2 है, और यहाँ 3 एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं 3 ऐसे ऊपर लिख दूंगा और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ x की पावर 4 है, x की पावर 2 है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 3x की पावर 4, और जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा 9x³। हो भी ये बात क्लियर है ना आपको, ये 3 3 9 और x into x³ हो जाएगा, x² into x। तो फिर 3 into 1 करूंगा तो मेरा आएगा 3x², तो वो प्लस का 3x² यहाँ लिख दूंगा। ये देखो ये प्लस का रहेगा, अब इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस ये भी माइनस का, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये माइनस का 9 है और ये प्लस का 5 है, तो मेरा आंसर बचेगा माइनस का 4x³, क्योंकि अपोजिट साइन है तो हमेशा माइनस होता है।
ये माइनस माइनस के दोनों सेम साइन हो गए तो ये हो जाएगा प्लस, तो 7 + 3 = 10, लेकिन आंसर किसका आएगा, माइनस का 10x2, ठीक, प्लस 2x + 2, जो चल रहा था चलने दो। अब क्या है, 4x³ है, यहां पे क्या है x² है, तो मैं माइनस के 4 से तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा और एक x से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो मेरा आंसर आएगा 4x³, 4 × 3 = 12, माइनस का 12x² क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4x क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 4x आएगा, तो माइनस का 4x। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा, ये प्लस का, ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, तो मेरा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, प्लस का 12 - 10, तो बचे हैं क्या 2x² क्योंकि 12 - 10 2 बचता है। अब प्लस का 4 प्लस का ही 2, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, प्लस 6x और ये नीचे प्लस 2 आ जाएगा। अभी देखो मुझे क्या करना है, यहां एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर है, मुझे जरूरत है सिर्फ 2 की, तो मैं सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये 2 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 2x² आ जाएगा और 3 × 2 = 6x प्लस का और प्लस का 2। अभी देखो ये माइनस माइनस माइनस, देखो ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अभी हमने इस क्वेश्चन में एक चीज देखी कि हम सिर्फ फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से कंपेयर करते आ रहे थे और लास्ट वाले जो बाद के जो नंबर थे वो अपने आप एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहे थे। तो आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम इसके बाद क्या लिख देंगे कि दैट हेंस x² + 3x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ 3x³ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। क्लियर है इतनी बात। देखो हम एक और चीज इसमें से कह सकते हैं कि ये जो हमारा जो क्वेश्चन बन के आया ना, ये भी इसका फैक्टर रहा होगा, क्योंकि मैं इसे पहले समझा चुका हूं कि जो क्वेश्चन होता है और डिवाइजर होता है दोनों ही फैक्टर होते हैं डिविडेंड के। ओके क्लियर है इतना पार्ट। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में हम देख पा रहे होंगे कि ये जो पॉलिनोमियल है, हमें पता करना है ये पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है। तो हमने लिख लिया है कि हम इस वाले को इससे डिवाइड करेंगे, अगर फुल्ली डिवाइड हो जाएगा रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो फैक्टर होगा, अगर फुल्ली डिवाइड नहीं होगा और कुछ ना कुछ रिमाइंडर आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो चेक करते हैं, सबसे पहले हम इसको डिवाइड करेंगे x³, यहाँ x^5 है तो सीधी बात है मुझे x² की जरूरत है, मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो x^5 आ जाएगा और यहाँ 3x × x², तो माइनस का 3x³ आएगा और ये प्लस का x² आ जाएगा, माइनस ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। अभी जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस का 3x है, 3x³ है और ये माइनस का 4x³ है, तो हमारा आंसर बचेगा माइनस का 1x³ क्योंकि 4 में से 3 माइनस होगा तो बचेगा 1 और 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। अभी ये देखो x² एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या हमारे पास, प्लस का 3x प्लस का 1। अब नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे x³ है, यहाँ पे भी हमारा x³ है बट यहाँ माइनस 1 है तो हमें जरूरत किसकी है, माइनस 1 की, तो हम इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा माइनस का x³, 3x × -1 करेंगे, माइनस का 3x × -1 प्लस का 3x हो जाएगा और -1 × 1 माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, जो हमारा आंसर आएगा वो देखो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे 0, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये +1 + 1 ये आएगा 2। अब देखो इसकी डिग्री इससे छोटी है, बिल्कुल है, और ये रिमाइंडर हमारा बचा हुआ है 2, तो दिस मीन्स x³ - 3x + 1 इज नॉट का याद रखना कि ये इसका फैक्टर नहीं है, इस बार नॉट अ फैक्टर ऑफ x^5 - 4x³ + 3x² + 3x + 1। ये लिखना भी बहुत जरूरी है लास्ट में, ये कंक्लूडेड लाइन ये लिखना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज मार्क्स कट सकते हैं आपके। होप ये पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसी पार्ट के साथ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, हम बढ़ते हैं सीधे थर्ड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट की तरफ। अभी हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 3 और इस क्वेश्चन को मैं रीड करके दिखा देता हूँ ये क्या कह रहा है। ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 इफ
टू ऑफ इट्स जीरोज आर अंडर रूट 5/3 एंड माइनस अंडर रूट 5/3। अभी है देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये इस क्वेश्चन ने हमें एक इक्वेशन दे रखी है और उसके टू जीरोस पहले से हमें दे रखे हैं। अभी मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि जो इक्वेशन होती है उसमें डिग्री जो होती है उतने ही उसके कितने क्या निकलते हैं, उसके जीरोस निकलते हैं। अभी हम देख पा रहे होंगे कि इसमें जो डिग्री है इक्वेशन की वो है 4, क्योंकि 3x की पावर 4 जो है 4x की पावर 4 है, ये मैक्सिमम पावर है इस पूरी इक्वेशन में, तो यही इसकी डिग्री होगी। तो अब जब डिग्री 4 है तो इसके जीरोस भी कितने निकलने चाहिए, 4। तो इसने दो जीरो तो पहले से दे रखे हैं हमें, रूट 5/3 और माइनस का रूट 5/3। हमें दो जीरो और बचे हुए हैं, वो हमें फाइंड करने हैं। तो उसे हम फाइंड करने के लिए थोड़ा एक बेसिक है वो पहले समझ लेते हैं कि जीरो से हम कैसे बचे हुए जीरो फाइंड करते हैं, उसके लिए थोड़ा बेसिक है वो पहले समझ लेते हैं। ठीक, तो आते हैं सीधे इधर। देखो इस क्वेश्चन में हमें दो जीरोस दे रखे थे, तो ये दो जीरोस मैंने ऐसे लिख लिए हैं। देखो जीरोस क्या होते हैं, एक्चुअल में जीरोस कुछ नहीं होते, वो एक्स की वैल्यू ही होती है जो उस पूरी इक्वेशन को जीरो बना देती है। अब ये मैंने जब ये एक्स की वैल्यू मैं पहले से दे रखी है, एक्स की वैल्यू एक्चुअल में इसमें 4 निकल के आएंगे, 2 पहले से दे रखी है, तो मैंने 2 इज इक्वल टू में लिख लिए हैं। अब मैं इन्हें थोड़ा सॉल्व करूंगा तो देखिए मेरे सामने क्या आएगा कि ये जो माइनस का रूट 3 है, देखो नीचे भी तो माइनस का रूट 3 है ना, इसको मैं रूट 3 को वहां थोड़ा सॉल्व करूं तो ये क्या आ जाएगा, रूट 3x इज इक्वल टू रूट 5। इसी तरीके से ये रूट 5 भी इधर आ जाएगा तो क्या होगा, ये प्लस का रूट 5 वहां के माइनस का हो जाएगा, तो रूट 3x माइनस रूट 5 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई। दूसरी इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, यहां से मैं थोड़ा सा सॉल्व करके दिखाता हूं। ये रूट 3 वहां पहुंच जाएगा पहले की तरह ही, रूट 3x इज इक्वल टू माइनस का रूट 5। अब माइनस का रूट 5 यहाँ का क्या हो जाएगा, प्लस का रूट 5, तो रूट 3x प्लस रूट 5 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन गई। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन क्या है, जो हमें गिवन पॉलिनोमियल है ना x की पावर 4 वाले जो पूरी पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर होने चाहिए दोनों। जब दोनों ही इसके फैक्टर होने चाहिए तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी उस पूरी इक्वेशन का फैक्टर होना ही चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रूट 3x माइनस रूट 5 इसका मल्टीप्लाई हम रूट 3x प्लस रूट 5 से कर लेंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगी पूरी, तो ये इक्वेशन भी उस वाली इक्वेशन का फैक्टर होगी। तो अभी हम इसको देखो, इसमें एक हमारा आइडेंटिटी लग रही है, रूट 3x माइनस रूट 5, रूट 3x प्लस रूट 5। तो हमें एक पता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वो आइडेंटिटी से हम लगा के थोड़ा हम इसे सॉल्व करेंगे, वो क्या आएगा, ए स्क्वायर मीन्स रूट 3x का होल स्क्वायर करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारी जो इक्वेशन आई है, ये इक्वेशन एक्चुअल में हमारी जो बन के आई है, ये होगी फैक्टर किसका, जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है वो मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूं। जो दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी थी क्या थी, 3x रेज टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इसका फैक्टर होगी। तो जब ये इसका फैक्टर होगी तो हम इस इक्वेशन से जब इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0। और एक इक्वेशन तो ये है इसका फैक्टर, और एक और मैंने तुम्हें बताया था कि जो कोशेंट बन के आता है वो भी क्या होता है, इसका एक फैक्टर होता है। तो दो, ये जो देखो दो जीरो गिविन थे उससे तो हमने ये इक्वेशन बना ली, और जो फैक्टर वाली जो वो कोशेंट वाली जो आएगा ना एक फैक्टर, उससे हम दो जीरोस निकाल लेंगे जो ये निकलवा रहा है। आपको ज्यादा समझ में आया नहीं होगा, सॉल्व करके देखते हैं थोड़ा इसको। अभी मैंने ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिख लिया, ये इक्वेशन जो हमारी आई थी वो जो गिविन दो जीरोस थे वहां से ये इक्वेशन बनी थी, और ये इक्वेशन हमें इसके दो जीरो और हमें फाइंड करने थे। तो अब मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को सीधे डिवाइड करूंगा। तो डिवाइड करूंगा, यहाँ एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स की पावर 2 है, और यहाँ 3 पहले से है, तो सिर्फ मेरे को एक्स स्क्वायर की जरूरत है। तो मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा, 3x रेज टू द पावर 4 और माइनस 5x स्क्वायर। मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सॉल्व कर देता हूं जिससे कि टाइम हमारा कम हो। इसको ये कैंसिल कर देंगे, 6x क्यूब ये प्लस का है तो प्लस का 3x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस का ही माइनस का, माइनस 10x माइनस 5। अब यहां पे हम देखेंगे 6x क्यूब यहां 3x स्क्वायर, तो
प्लस का 2x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आएगा 6x³ 5 × 2 = 10 माइनस का 10x, क्योंकि x के नीचे ही लिखेंगे, मैं बता रखा है मैंने पहले। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा ये कैंसिल करेंगे, ये प्लस का 10, ये माइनस, ये प्लस का 10 हो जाएगा, ये माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर बचेगा 3x² - 5। अब देखो यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे भी 3x² है, सीधे प्लस 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो आंसर मेरा आएगा 3x² - 5, क्योंकि 1 से जब मैं इसका 5 का मल्टीप्लाई करूंगा फिर भी ये 5 आएगा, तो हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो दिस मीन्स कि ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर होगा। क्लियर है इतनी बात? ऑल्सो x² + 2x + 1 इज फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अब इसके बाद जो आगे नेक्स्ट पार्ट है वो अभी मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। पीछे डिवाइड में देखा होगा तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई थी, वो इक्वेशन थी हमारी ये, मैं दिखा देता हूं, ये जो इक्वेशन थी ये हमारा पार्ट एक बन के आ गया था। तो इस इक्वेशन को मैं करूंगा अब आगे सॉल्व। तो दो जीरोस फाइंड करने के लिए मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहां लिख लेता हूं। तो हमारी जो इक्वेशन बनी थी वो थी x² + 2x + 1। अब ये दो जीरोस जो बचे हुए हैं, मैं वो दो जीरोस यहां से दो जीरो निकालूंगा, ठीक है? वो कैसे निकालूंगा, इसको मैं रखूंगा जीरो के बराबर। और हमें पता है कि जब भी ऐसी इक्वेशन होती है, हमने पिछली बार किससे सॉल्व किया था, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से, तो इस बार भी करेंगे। इसका कोफिशियंट है 1, 1 × 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा क्या, 1, और 1 के फैक्टर होते हैं 1 और दूसरा भी 1, क्योंकि 1 × 1 1 ही होता है, तो 1 + 1 कितना होता है 2, और ये 2 हमारा बीच में है, दिस मीन्स ये एकदम परफेक्टली हो जाएगा। तो x² + x + x + 1 इस 2x को मैं x + x तोड़ सकता हूँ, क्योंकि x × x करूंगा तो x² आ जाएगा, x + x करूंगा तो 2x आएगा, यानी कि बिल्कुल हम सही कर रहे हैं। अब मैं इन दोनों में कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा x + 1। अभी हमने इसमें से x कॉमन ले लिया था ये, और अंदर बचेगा हमारा x + 1। ऐसे ही यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम ले लेंगे 1 बाहर, अंदर बचेगा वही x + 1। अब देखो इन दोनों में x + 1, ये भी x + 1, ये हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ x, और यहाँ बचेगा +1। देखो दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों को हम एक एक करके जीरो के बराबर रखेंगे, तो x की वैल्यू मेरी एक बार -1 और दूसरी बार भी -1 आ जाएगी। हेंस अदर टू जीरोस आर -1 और -1। तो दो जो जीरो ये निकलवा रहा था वो हमारे दोनों जीरो क्या आ जाएंगे, -1 और -1। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो ये इस एक्सरसाइज में से अगर मैं किसी को रिकमेंड करूंगा तो ये थर्ड, और इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4th क्वेश्चन, वो इंपॉर्टेंट होंगे। अभी क्वेश्चन 4 में जो जो चीजें गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख ली है। तो सबसे पहले बताता हूँ क्या गिवन था। देखो हम x³ - 3x² + x + 2 को डिवाइड कर रहे थे gx से, तो हमें क्वेश्चन मिल रहा था ये और रिमाइंडर मिल रहा था ये, तो मैंने ऐसे के ऐसे ही ये लिख लिए हैं। अब हमें एक चीज पता है, इक्वलिटी डिवीजन लेमा में भी हमने एक चीज पढ़ी थी कि क्या होता है कि डिविडेंड इज इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इनटू क्वेश्चेंट प्लस रिमाइंडर। ये एक हमारा फॉर्मूला टाइप था, उस चैप्टर में पहले से पढ़ रखा है। तो हम गिवन चीजों को अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इधर से, और उसके बाद हमें क्या निकालना है, डिवाइजर हमको निकालना है। दिस मीन्स डिवाइजर की वैल्यू हमको निकालनी होगी, जो कि gx दे रखी है फिलहाल। तो अभी हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x³ - 3x² + x + 2, क्योंकि डिविडेंड हमें दे रखा, बीच में इज इक्वल टू साइन है, डिवाइजर क्या है हमारा gx अपनी जगह रख देंगे, इनटू क्वेश्चन क्या है x - 2, प्लस रिमाइंडर क्या है -2x + 4। ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अभी हम क्या देखेंगे कि हमें तो वैल्यू इसकी निकालनी है gx की, तो बचे हुए जितने भी इसके साइड में लिखे हुए हैं वो धीरे धीरे करके लेफ्ट हैंड साइड हम ट्रांसफर करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये दूर का जो जाता है वो पहले जाएगा, ये -2x है +4 है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा +2x और ये हो जाएगा -4। लिख देता हूं मैं यहां पे x³ - 3x² + x + 2, तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा अपनी जगह। ये देखो -2x है, वहां क्या हो जाएगा
प्लस का 2x, ये प्लस का 4 वहां जाके हो जाएगा माइनस का 4 इज इक्वल टू जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अभी देखो ये यहां मल्टीप्लाई हो रहा है जी एक्स से पूरा एक्स माइनस 2, तो वहां जाके क्या होगा डिवाइड, तो जी एक्स। तो थोड़ा इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसके बाद क्या आएगा एक्स क्यूब, और ये माइनस का 3x स्क्वायर, स्क्वायर का यहाँ पे कोई टर्म है नहीं, तो ये इसका ऐसे का ऐसा ही लिखा रहेगा। अभी देखो यहाँ पे x और 2x मिलके क्या बन जाएंगे प्लस का 3x, और ये प्लस 2 और माइनस 4, तो ये क्या बन जाएगा हमारा माइनस का 2, और ये किसके बराबर आएगा जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2। अभी हमें पता है कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, ये 2 है, अभी हमें पता है हमें वैल्यू निकालनी थी जी एक्स की, तो जी एक्स के साइड से ये एक्स माइनस 2 हम डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, तो ये हमारी वैल्यू आएगी जी एक्स के बराबर। अभी जी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे एक्स माइनस 2 से, तो मैंने डिवाइड करना बता रखा है तो इसको थोड़ा लिख लेते हैं। अभी मैंने अपनी इक्वेशन को ऐसे डिवीजन के फॉर्म में लिख लिया है, x माइनस 2 से हम डिवाइड करेंगे इस वाले पॉलीनोमियल को। अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ x क्यूब है, तो मैं सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई करूंगा x स्क्वायर से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस वाले को, तो x स्क्वायर इंटू x होगा तो क्या बन जाएगा हमारा x क्यूब, और फिर 2 से हम x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो हमारा जो आंसर आएगा इसको सॉल्व करने का, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये कितना आएगा, ये प्लस का है ये माइनस का है, तो आपस में माइनस होंगे तो आएगा हमारा आंसर माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि 3 में से 2 माइनस हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्या हमारा नीचे आएगा, ये 3x हम नीचे लिख लेंगे और माइनस 2 भी, हमारे यहाँ पे x है, यहां मुझे एक्स स्क्वायर लेके आना है, और ये माइनस का साइन भी है, तो माइनस के एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो माइनस का एक्स इंटू एक्स क्या होगा, माइनस का एक्स इंटू एक्स क्या होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और माइनस का 2 इंटू माइनस का ही एक्स, तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 2x, जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इसमें ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और 3 माइनस 2 कितना होता है 1x, तो सिर्फ x लिखूंगा मैं, और यहां लिखूंगा माइनस का 2, देखो यहां पे भी x माइनस 2 है, यहां पे भी x माइनस 2 है, तो मीन्स हम प्लस 1 से मल्टीप्लाई करके इसे कैंसिल आउट कर देंगे, यहां पे हमारा रिमाइंडर बचेगा 0। तो जो हमारा क्वेश्चन आया वो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो दिस मीन्स जी एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस का 1, यही हमारा आंसर होगा। होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, मैंने इसमें से जो कुछ हमें गिविन है वो मैंने कुछ इस तरीके से लिख लिया। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है पी एक्स, पी एक्स हम मानेंगे डिविडेंड, जी एक्स होता है डिवाइजर, क्यू एक्स होगा क्वेश्चेंट एंड आर एक्स होगा रिमाइंडर, और मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, ये जो है इस तरीके से डिवीजन मेथड को मैंने लिख लिया है कि पी एक्स जो होता है वो डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड हमेशा अंदर लिखा जाता है, जी एक्स होता है डिवाइजर तो इधर लिखा जाएगा, क्वेश्चेंट यहाँ होता है, रिमाइंडर यहाँ होता है। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं कि कुछ कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसके बारे में, कि इसकी जो डिग्री होती है वो हमेशा इस वाली डिग्री से हमेशा बड़ी होगी, अगर रिमाइंडर की डिग्री बड़ी होगी तब तक हम इसे डिवाइड करते जाएंगे, कब तक करते हैं जब रिमाइंडर की डिग्री छोटी हो जाती है। तो एक चीज तो हमें पता चली कि रिमाइंडर की डिग्री क्या होती है, हमेशा जी एक्स से मतलब डिवाइजर से छोटी होती है। दूसरी बात यह है कि जो पी एक्स की डिग्री होती है और क्यू एक्स की जैसे डिग्री होगी, वो सॉरी जी एक्स की जो डिग्री होगी, तो पी एक्स की डिग्री में से हम जी एक्स की डिग्री माइनस करेंगे तो वो किसके बराबर आएगी, क्यू एक्स की डिग्री के बराबर आएगी। तो यहां तक आई होप कि थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया होगा। अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा था। अभी मैं कुछ एग्जाम्पल्स लूंगा जिससे कि जो अभी मैंने इससे पहले बताया था वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखो सबसे पहले हम जी एक्स और आर एक्स के बीच में रिलेशन पता करते हैं डिग्री का। देखो मान लो कि मेरा जो जी एक्स है वो है एक्स प्लस 2, तो जो आर एक्स होगा वो भी अगर एक्स प्लस 3 या फिर कुछ और होगा तो ये मैं 1 टाइम्स डिवाइड करने की जरूर कोशिश करूंगा, तो बाद में जो रिमाइंडर बचेगा वो 1 समथिंग बचेगा, जब ये इसमें से 1 टाइम्स अगर मैं माइनस करूंगा तो एक्स प्लस 2 इसमें से माइनस करूंगा तो एक्स से एक्स कैंसिल होगा और 3 माइनस 2 होगा तो 1 बचेगा,
होप ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। तो कभी भी रिमाइंडर की डिग्री, तो जब वन बचेगा तो इसकी डिग्री क्या होगी, जीरो, क्योंकि यहां कोई भी एक्स का टर्म नहीं होगा। मान लेते हैं कि जैसे कि मैंने ये है यहां पे अभी x प्लस थ्री मेरा रिमाइंडर बच रहा था, तो मैं इसको एक और बार डिवाइड कर सकता हूं। तो यहां पे भी x है, यहां पे भी x है, मैं प्लस वन से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस टू। और जब मैं इसको माइनस करूंगा इसमें से तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और ये कितना बचेगा, वन। अब ये जो वन बचा है, ये बचा हमारा रिमाइंडर। हम तब मैंने बताया था हम जब तक डिवाइड करते हैं जब तक कि यहां की डिग्री कम ना हो जाए डिवाइजर से। तो अभी मेरा रिमाइंडर बचा वन, तो यहां पर डिग्री क्या हो गई, जीरो। तो डिग्री ऑफ रिमाइंडर कितनी आ रही है हमारी, जीरो। और डिग्री ऑफ क्वेश्चन वो डिवाइजर कितनी थी, डिग्री ऑफ डिवाइजर कितनी थी हमारी, वन थी। तो हमेशा जो डिग्री ऑफ डिवाइजर होगी वो हमेशा ग्रेटर होगी किससे, डिग्री ऑफ रिमाइंडर से। होप इतनी बात क्लियर रही होगी आपके। हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे जीएक्स पीएक्स और क्यूएक्स के बीच में। देखिए मैं थोड़ी देर के लिए पीएक्स ले लेता हूं एक्स क्यूब, और जीएक्स ये मेरा हो गया पीएक्स, और मैंने जीएक्स ले लिया है एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं डिवाइड करूंगा पीएक्स को जीएक्स से तो मेरा आएगा क्या, क्वेश्चेंट क्यूएक्स। तो मैं थोड़ा डिवाइड करके देखता हूं, एक्स क्यूब डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो मेरा जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करने के बाद वो कितना आएगा, सिर्फ एक्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर जब डिवाइड करेगा तो इसमें से पावर माइनस होती है हमेशा। तो मेरे जो डिग्री आई वो क्या आई, क्यूएक्स की, यहां पे क्यूएक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी डिग्री, डिग्री ऑफ क्यूएक्स कितनी आ जाएगी, वन। और डिग्री ऑफ जीएक्स हमारी कितनी थी, डिग्री ऑफ जीएक्स थी हमारी टू, और डिग्री ऑफ पीएक्स कितनी थी, थ्री। तो हमें एक चीज समझ में आती है क्या, कि यहां से हम एक फॉर्मूला जो ऑप्टेन करेंगे अपने हिसाब से वो क्या करेंगे, दैट डिग्री ऑफ पीएक्स माइनस डिग्री ऑफ जीएक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यूएक्स। इतनी बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अभी मेरे सामने मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट लिखा है। इसमें क्या दे रखा है कि डिग्री ऑफ पीएक्स शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यूएक्स। तो पीएक्स और क्यूएक्स के बारे में जब बात हो रही है तो मैं इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, मैं कौन सा फॉर्मूला लिखूंगा इसके लिए, ये वाला फॉर्मूला लिखूंगा, दैट डिग्री ऑफ पीएक्स माइनस डिग्री ऑफ जीएक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यूएक्स। तो अभी देखो हमारे पास ये चीज गिवन है और ये चीज गिवन है, तो अगर मैं जीएक्स मुझे अपने आप अज्यूम करना पड़ेगा, तो जीएक्स में कितना अज्यूम करूंगा, कितनी डिग्री का अज्यूम करूंगा, वो हम कैसे निकालेंगे। पहले जीएक्स की डिग्री ऑफ जीएक्स की हम वैल्यू निकालते हैं। देखो ये माइनस का डिग्री ऑफ जीएक्स है, वहां के प्लस का हो जाएगा और ये यहां के माइनस का हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा, डिग्री ऑफ पीएक्स माइनस ये यहां के माइनस हो जाएगा, डिग्री ऑफ क्यूएक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ये जीएक्स माइनस का है वहां के प्लस का हो जाएगा, डिग्री ऑफ जीएक्स। तो ये भी हमारा एक फॉर्मूला बन गया। तो अभी इसने बोला है कि ये दोनों डिग्री बराबर होनी चाहिए, तो अगर ये आपस में दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे को जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे डिग्री का, जीरो। तो दिस मींस डिग्री ऑफ जीएक्स कितनी होनी चाहिए, जीरो। तो हमें डिग्री, जब जीएक्स की डिग्री हमें क्या माननी पड़ेगी, जीरो। तो हम क्या मानेंगे इसको, कोई भी, और जो डिग्री जीरो किसमें होती है, जब एक कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म लिखा होता है। तो हमें जीएक्स क्या मानना पड़ेगा, जीएक्स में कोई भी एक कॉन्स्टेंट टर्म मान सकता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पर क्या, थ्री। मैंने यहां पे जीएक्स ले लिया है थ्री। अब बात आती है कि मेरे को पीएक्स और क्यूएक्स क्या लेने हैं। तो देखो मैं क्या करूंगा कि पीएक्स को डिवाइड करूंगा थ्री से, जीएक्स से तो डिवाइड करते हैं, तो मेरे को पीएक्स ऐसा लेना है जो कि थ्री से इजीली डिवाइड हो जाए। तो मैं पीएक्स को ले लेता हूं थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन। आप देख रहे होंगे कि ये इसमें से थ्री सीधे सीधे कॉमन आ जाएगा और डिवाइड इजिली थ्री से हो जाएगा, जिससे क्या मुझे डिवाइड करने में थोड़ी इजी पड़ेगा, डिवाइड करने में थोड़ा मुझे इजी लगेगा। तो अभी हम देखेंगे डिवाइड करके, तो पीएक्स इज डिवाइडेड बाय जीएक्स, देन वी विल गेट
qx प्लस रिमाइंडर। तो अभी जब मैं डिवाइड करूंगा, डिवाइड कैसे करूंगा, मैं सिंपल है तो इसे डिवाइड करने की ऐसी कोई डिवीजन मेथड से जरूरत है नहीं। 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये तो हो गया मेरा px डिवाइड बाय gx, मैंने क्या माना था 3। तो अभी मैं जब इसको डिवाइड करूंगा तो देखो आप देख सकते हैं कि यहां से मैं 3 सीधे सीधे कॉमन ले लूंगा और यहां से कैंसिल कर दूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बचेगा ब्रैकेट के अंदर और नीचे 3 था तो ये 3 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा qx कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हमारा आ जाएगा qx। तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, तो जो rx बचेगा वो थोड़ा ध्यान दीजिए यहां पे, rx जो बचेगा वो हमारा बचेगा क्या, rx बचेगा हमारा 0। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट इसका। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आया होगा। यही चीज हमें बतानी थी कि rx क्या होगा और qx क्या होगा और हम px को क्या लेंगे। px हमने लिया है यहां पे ये और qx लिया है ये। ये पार्ट हमारा हो चुका है, हम बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट जिसमें ये गिवन है डिग्री ऑफ qx शुड बी इक्वल टू डिग्री ऑफ rx। तो इसके लिए मैंने लिख लिया है कि qx का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिग्री ऑफ qx किसके बराबर होती है, डिग्री ऑफ px माइनस डिग्री ऑफ gx। ये मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही, और rx की जगह हमने डिग्री वैसे के वैसे ही लिख दी है। तो हम यहां से एक चीज समझते हैं कि डिग्री ऑफ px में से जितना हम डिग्री ऑफ qx माइनस करेंगे उतना ही डिग्री ऑफ rx के बराबर आएगा, मींस qx का भी उतना ही डिग्री आना चाहिए। मैं थोड़ा सा एग्जांपल से बताता हूं तो ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि मैंने इसकी डिग्री ले ली 4, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसकी डिग्री ले ली मैंने 4 और इसकी डिग्री ले ली मैंने 3, तो 4 माइनस 3 दिस मींस रिमाइंडर की डिग्री कितनी आएगी 1। हमें रिमाइंडर कितनी डिग्री का लेना पड़ेगा 1, और अपने आप qx भी कितने डिग्री का आएगा फिर 1 डिग्री का। तो अब हम इसी हिसाब से हम अपने एग्जांपल में भी ले लेते हैं। जैसे कि मैं px को ले लेता हूं, px में मान लेता हूं x रेस टू द पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x, ऐसे मैंने कुछ भी ले लिया। अब इसके बाद आगे तुम और भी कुछ ले सकते हो बट मैं इतना ही ले रहा हूं। और मैंने जो gx अब मुझे लेना है तो gx मेरा क्या हो जाएगा, इससे मैं डिग्री कम लूंगा, जितनी मुझे डिग्री रिमाइंडर की चाहिए उतना इसमें डिफरेंस रखूंगा। तो मैं रिमाइंडर की डिग्री लूंगा 1, तो मैं इसमें डिफरेंस भी 1 रखूंगा, तो 4 में से कितना माइनस 3 करना पड़ेगा तभी तो 1 का डिफरेंस आएगा। तो मैं यहां पे gx लेता हूं x क्यूब, एक ही ले लो ताकि डिवाइड करने में हमें ज्यादा दिक्कत ना हो, तो इसका एक ही टर्म ले लेते हैं। तो हम थोड़ा डिवाइड करके देखते हैं, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे x की पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 3x को डिवाइड करूंगा मैं x क्यूब से, तो थोड़ा करके देखते हैं। यहां आएगा x की पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे तो इधर बचेगा 0 और हमारा ये 3x क्यूब प्लस 3x नीचे आ जाएगा। अब यहां पे x क्यूब है, यहां पे प्लस 3 की हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी, तो 3x क्यूब इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आएगा 3x आएगा आंसर। अभी देखो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है, क्योंकि अब फर्दर डिवाइड हम कर नहीं सकते क्योंकि x क्यूब है या 3x है, ये डिग्री कम है, तो ये हमारा बचा रिमाइंडर और ये बचा हमारा, ये आ गया हमारा क्वेश्चेंट। तो अभी हम देख सकते हैं कि डिग्री ऑफ क्वेश्चेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर, यही हमें प्रूव करना था। तो हेंस हमारा जो रिमाइंडर हो जाएगा, तो हमें यही बताना था कि हम क्या क्या मानेंगे। तो ये हो गया हमारा px, ये हो गया हमारा gx और ये x प्लस 3, यहां लिख देता हूं अलग से, x प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा qx और रिमाइंडर तो आपने देख लिया, rx क्या हो जाएगा हमारा 3x जो बचेगा नीचे। तो हम यहां पे देख सकते हैं क्लियरली डिग्री ऑफ क्वेश्चेंट इज इक्वल टू डिग्री ऑफ रिमाइंडर। आई होप ये पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट जिसमें कि हमें गिवन है कि डिग्री ऑफ rx शुड बी इक्वल टू 0, दिस मींस जो हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए उसकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, 0 के बराबर आनी चाहिए।
तो एक तो बात ये समझ लो कि रिमाइंडर की डिग्री जब जीरो है, दिस मीन्स कोई भी एक कांस्टेंट टर्म बचना चाहिए, तो कांस्टेंट हमारा जीरो भी हो सकता है। तो बहुत ही सिंपल वे से करने के लिए हम एक ऐसा पी एक्स मान लेते हैं, हम क्या पी एक्स को मान लिया मैंने, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। तो अब मैं जो जी एक्स होगा, तो जी एक्स में ऐसा टर्म मान लूंगा जो कि इसको पूरा डिवाइड कर सके। तो सिंपल बात है, जब इसको पूरा डिवाइड जो कर सकेगा तो इधर मैं टू का पहले मल्टीप्लाई कर देता हूं। जैसे कि मैंने मान लो जी एक्स मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो ये भी इसको वन टाइम्स पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर मुझे टू टाइम्स करना है तो यहां पे टू का मल्टीप्लाई कर लो पूरे में पी एक्स वाले में, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स। मान लो इसको हम मान लेते हैं टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स, और जी एक्स को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, इसका जस्ट हाफ। चाहे तुम सेम भी मान सकते थे तो भी रिमाइंडर जीरो ही आएगा। अब देखो करते हैं हम इसको, अभी मैं क्या कर रहा हूं, पी एक्स डिवाइड बाय जी एक्स करके देखते हैं। टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री। देखो इन क्वेश्चंस में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये हिट एंड ट्रायल मेथड टाइप है, इसमें तुम बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। मैं कोई भी एक करके दिखा रहा हूं, तुम अपने हिसाब से और भी ले सकते हो, इन तीनों पार्ट में कुछ भी ले सकते थे तुम, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए थी। ठीक, तो मैं आपको इजिएस्ट वे से बता रहा हूं जिससे कि कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और हमें ज्यादा डिवाइड वगैरह करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हो रही। अब देखो जैसे कि यहां पे मैं टू कॉमन ले लू पहले ही, क्योंकि मैंने पहले ही इस तरीके से रखे हुए हैं ये कि डिवाइड इजीली हो जाए, तो मैं टू इसमें से कॉमन ले लूंगा ऊपर वाले में से, यहां क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सिक्स वो थ्री। ठीक है, अब नीचे हमारा ऑलरेडी क्या था एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसका डबल करके ही इसको माना था, तो ये कितने टाइम्स कट जाएगा इसके टू टाइम्स, तो हमारा आंसर क्या आएगा टू। तो ये हमारा आ गया क्या क्यू एक्स, और रिमाइंडर आर एक्स क्या आ जाएगा हमारा जीरो। अब रिमाइंडर अगर मान लो यहां पे कुछ और भी बचता तो भी रिमाइंडर की डिग्री क्या होती, हियर हम क्या लिख सकते हैं डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू जीरो, या यहां पे अगर कोई कॉन्स्टेंट भी बचता तो भी डिग्री क्या होती जीरो। मैंने ये इजीएस्ट लगा मुझे इसलिए मैंने ये कर लिया है, आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट, और इसी के साथ ही एक्सरसाइज भी खत्म होती है। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।